जर्मनी सेटल होना हो चुका है और बहुत ज़्यादा आसान। आ चुके हैं नए बहुत सारे लॉज, जिसमें से आज मैं आपको बताने वाली हूँ टॉप 15, जिसके बाद में आपको ऐसे लगेगा कि यार अब तो कोई कारण रहा ही नहीं जर्मनी नहीं जाने का। कुछ उसमें से ऐसे भी हैं जो आपको ज़्यादा अच्छे नहीं लगेंगे, मतलब कुछ थोड़े से माइनस पॉइंट्स भी हैं, बट बहुत सारे अमेजिंग अमेजिंग नए लॉज आए हैं, उनकी बात करते हैं आज के वीडियो में। स्वागत है आपको फ्लाइंग अब्रॉड में। मेरा नाम है शिल्पा, मैं जर्मनी में रहती हूँ और मैं यहाँ के बारे में बहुत सारे वीडियोज़ बनाती हूँ। और अब जानते हैं कि क्या क्या नए लॉज आए हैं जर्मनी के। जर्मनी में चल रही है बहुत टाइम से स्किल्ड प्रोफेशनल्स की शॉर्टेज, और जर्मनी को 2030 तक एटलीस्ट साल के 3 से 5 लाख लोग चाहिए काम करने के लिए। तो इसलिए जर्मनी ने निकाले हैं नए नए लॉज हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल्स स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए, कि और सारे कंट्रीज से वो आके यहाँ काम करें। किसी भी कंट्री के लिए एसेट होता है उनका यूथ, लेकिन जर्मनी में है बहुत ही ज़्यादा एजिंग पॉपुलेशन, तो इसलिए उनको बाहर से यूथ चाहिए जो यहाँ के काम करे। और उनका जो ये एजिंग पॉपुलेशन है, उनका हेल्थ केयर, पेंशन, ये सब जो उनका सिस्टम है वो फंक्शन कर पाए। तो सबसे पहले मैं एक अमेजिंग बात और आपको बता देती हूँ। अभी रिसेंटली US में सर्वे किया गया था कि वहाँ पे कौन सी नेशनैलिटी सबसे ज़्यादा सैलरी लेती है, और उसमें टॉप पे आया था इंडियंस। इंडियंस की एवरेज सैलरी US में है 1 करोड़ रुपीज़। और सेम अभी इंडिया की न्यूज़ में भी आया है कि जर्मनी में भी इंडियंस हैं जो सबसे ज़्यादा सैलरीज लेते हैं। और एट प्रेजेंट जर्मनी में जितनी भी नेशनैलिटीज बाहर से आके काम कर रही हैं, उसमें जो स्टेम फील्ड में सबसे ज़्यादा इंडियंस हैं। तो ये यही दिखाता है कि जो हमारा इंडियन यूथ है वो ऑफकोर्स हाईली एजुकेटेड, हाईली क्वालिफाइड है, और वो अगेन यहाँ जर्मनी में आके अपने लिए बहुत अच्छी करियर पॉसिबिलिटीज़ बना रहे हैं। इसलिए जर्मनी में जो इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स आ रहे हैं यहाँ, उनके लिए अच्छे अच्छे नए लॉज निकाल रहा है। तो सबसे पहले जो लॉ है उसकी मैं बात करूँ तो वो है स्टूडेंट्स के लिए। स्टूडेंट्स अब जर्मनी में कमाएंगे, बचाएंगे और ज़्यादा पैसे। तो पहले स्टूडेंट्स को अलाउड था 120 फुल डेज़, 240 हाफ डेज़ काम करना, वो नंबर अब बढ़ा दिया गया है। अब स्टूडेंट्स काम करेंगे 140 फुल डेज़ और 280 हाफ डेज़, तो अब आप ज़्यादा आवर्स काम कर सकते हो। साथ में जो मिनिमम वेज है वो भी 12.41 से 12.81 यूरो कर दी जाएगी। और जो टैक्स आपको स्टूडेंट्स को लगता था वो था 520 यूरो के ऊपर के अमाउंट पे, अब वो अमाउंट कर दी गई है 538 यूरोस, और नेक्स्ट ईयर से वो अमाउंट हो जाएगी 556 यूरोस। मतलब अब ऑफकोर्स स्टूडेंट ज़्यादा काम करके अर्न करेंगे ज़्यादा, टैक्स देंगे थोड़ा कम, तो इसलिए सेविंग्स भी इवेंचुअली ज़्यादा होंगी, जिससे कि आप अपने लिविंग एक्सपेंसेस यहाँ पे बेयर कर सकते हो और अपनी सेविंग्स भी कर सकते हो। फिर जब आपकी पढ़ाई पूरी हो जाएगी, आपकी जॉब लग जाएगी, तो आपका टाइम आता है रेजिडेंस परमिट लेने का, फुल टाइम जो जॉब का है। उसमें भी अब बहुत आसान हो गया कि सब लोगों को ही ब्लू कार्ड मिलने की पॉसिबिलिटी है, क्योंकि जो सैलरी का थ्रेशोल्ड है वो इतना कम कर दिया है कि वो एवरेज सैलरी से कम है, जो कि है 45,000 यूरोस। और जो ये स्पेशल प्रोफेशंस हैं, अगेन टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और प्रोफेसर्स, डॉक्टर्स, इन सब के लिए वो अमाउंट है सिर्फ 41,000 यूरोस। एवरेज सैलरी जबकि 50-55,000 यूरोस अब हो चुके हैं जर्मनी में। तो बहुत आसान हो जाएगा ब्लू कार्ड लेना, और फिर जैसे ही आपके पास में ब्लू कार्ड है तो आपको PR मिलने की पॉसिबिलिटी हो जाएगी सिर्फ 21 मंथ्स में, विच इज़ लेस देन 2 ईयर्स, जो कि होगा लैंग्वेज अगर आपके पास में होगी B1 तक की, जर्मन लैंग्वेज का सर्टिफिकेट। और अगर 33 मंथ्स में आपको लेना है तो आपको सिर्फ चाहिए होगा A1 लैंग्वेज का सर्टिफिकेट। और पहले जो ब्लू कार्ड मिलता था वो सिर्फ उन लोगों को मिलता था जिनके पास में हाई क्वालिफिकेशन है, लेकिन अब वो रिक्वायरमेंट भी हटा दी है। अगर आपके पास में है 3 ईयर्स का रेलिवेंट वर्क एक्सपीरियंस जो आपकी फील्ड में अगर है, तो हम आपको हाई क्वालिफिकेशन भी नहीं चाहिए। और पहले आपका ब्लू कार्ड टाई होता था सिर्फ आपके जॉब के जो फील्ड है उससे, लेकिन अब ऐसा भी नहीं है। अब अगर आपने पढ़ाई कोई और चीज़ में करी है, आप जॉब कोई और चीज़ में करना चाहते हो, कल को आज आपने ब्लू कार्ड ले लिया, कोई और प्रोफेशन में हो, फिर कोई और आपको अगर फील्ड चेंज करनी है तो वो सब भी आप कर सकते हो, क्योंकि जर्मनी रिड्यूस करना चाहता है ब्यूरोक्रेसी, तो ये सारे लॉज भी हटा दिए हैं। और अगर आपके पास में ब्लू कार्ड है तो आप बहुत ईजीली अपने स्पाउस, अपने बच्चों के साथ में अब पॉसिबल होगा पेरेंट्स को भी जर्मनी लॉन्ग टर्म के लिए बुलाना। जी हाँ, यही है थर्ड अमेजिंग लॉ जिसकी मैं बात करने वाली थी, कि पहले जर्मनी अलाउ नहीं करता था पेरेंट्स को 3 महीने से ज़्यादा एक साथ रहना, और साल में सिर्फ 6 महीने पॉसिबल हो पाता था। बट अब जर्मनी पॉसिबल करने वाला है कि आप अपने पेरेंट्स को भी यहाँ लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हो, क्योंकि वो एक मेजर रीज़न होता है कि यहाँ लोग आना नहीं चाहते, या फिर कुछ टाइम के लिए आ जाते हैं फिर कोई और कंट्री सेटल होने का सोचते हैं, तो ये बैरियर भी अब हटने वाला है। और नेक्स्ट लॉ है, जैसे कि मैंने आपको बताया, जर्मनी ब्यूरोक्रेसी जो पेपर वर्क है वो भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा होता है, बहुत हैसल है, उसको भी वो कम करना चाहते हैं।
तो इसलिए अब जैसे अगर आपका कोई भी रेलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस है 2 साल से ज़्यादा, जो अगर आपकी होम कंट्री में रिकग्नाइज्ड है, तो उसको यहाँ पे आके फिर से रिकग्नाइज करवाने की ज़रूरत नहीं है। और अब साथ के साथ में आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो और आपका प्रोफेशन का कुछ ऐसे टाई अप होना ज़रूरी नहीं है। आप किसी और एजुकेशन बैकग्राउंड के हो सकते हैं और किसी और प्रोफेशन में आके यहाँ काम कर सकते हैं, तो ये भी एक बहुत अच्छा चेंज है एक्सपैट्स के लिए। और जो नेक्स्ट नया लॉ है वो तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। तो पहले जर्मनी देता था जॉब सीकर वीज़ा, जिसमें आप यहाँ के 6 महीने के लिए जॉब ढूंढ सकते थे, लेकिन उसमें आपको चाहिए होता था 5 साल का वर्क एक्सपीरियंस और ब्लॉक्ड अकाउंट भी चाहिए होता था, और आपको यहाँ काम करना भी अलाउड नहीं था। लेकिन अब आ चुका है अपॉर्चुनिटी कार्ड, जिसमें कि आपको चाहिए सिर्फ 3 साल का मिनिमम वर्क एक्सपीरियंस, कोई मतलब ब्लॉक्ड अकाउंट नहीं चाहिए होगा, क्योंकि आप यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब कर सकते हो। मतलब 20 आवर्स तक आपको अलाउड होगा पार्ट टाइम जॉब करना, तो अगर आप वो ग्रैब कर लेते हो तो फिर आपको ब्लॉक्ड अकाउंट भी नहीं चाहिए होगा। और आप यहाँ आ सकते हो 1 साल के लिए, जिसमें आप उस टाइम पे जॉब देख सकते हो, और ऑफ कोर्स आपको ना फाइनेंशियल बर्डन नहीं आएगा, बिकॉज आप पार्ट टाइम जॉब करके अपने आप को स्पॉन्सर भी कर पाओगे, और आप अपने स्पाउस को भी ला सकते हो, वो भी आपको एक एडेड बेनिफिट देगा कि अगर आपका स्पाउस भी अगर अपॉर्चुनिटी कार्ड के लिए एलिजिबल है तो उसका आपको 1 पॉइंट है। तो ये बहुत ही अमेजिंग अपॉर्चुनिटी है सबके लिए जो जर्मनी आके बिना कोई फाइनेंशियल बर्डन के अपने लिए जॉब देखना चाहते हैं। और फिर जैसे ही आप जर्मनी आ गए तो उसके बाद में सिटीजनशिप लेना भी अब बहुत आसान हो गया। पहले वेट करना पड़ता था 8 साल के लिए, अब सिटीजनशिप मिल जाएगी सिर्फ 5 साल में। ऑफ कोर्स आपको 5 साल यहाँ रहे हुए होना चाहिए, और फिर आपको जो लाइफ इन जर्मनी का टेस्ट है वो देना पड़ेगा, और लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट है B1 तक। लेकिन अगर आपको चाहिए कि 3 ईयर्स में मुझे मिल जाए जर्मनी का पासपोर्ट, तो वो भी अब पॉसिबल है अगर आपके पास में होगा जर्मन का C1 लेवल तक का सर्टिफिकेट, और वो थोड़ा सा मुश्किल है, उसमें आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल्स होनी चाहिए, तो पॉसिबल है फिर उसके बाद में 3 साल में भी जर्मनी की सिटीजनशिप ले पाना। और जो लोग जैसे जर्मनी में अभी रह रहे पहले से और उनकी एज अगर 67 ईयर्स से ज़्यादा है, तो अब उनके लिए कोई भी लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई उनको टेस्ट वगैरह नहीं देना है, उनके लिए और ज़्यादा आसान हो गया जर्मनी की सिटीजनशिप ले पाना। और साथ के साथ में जर्मनी ने अलाउ कर दी है अब ड्यूअल नेशनैलिटी। मतलब बहुत सारे लोग होते हैं जिनको अपने कंट्री की नेशनैलिटी नहीं छोड़नी, तो फिर वो जर्मनी की सिटीजनशिप नहीं ले पाते हैं, तो उनके लिए वो बैरियर भी हटा दिया गया है। दो अभी ना इंडिया नहीं अलाउ करता है ड्यूअल नेशनैलिटी, तो इसलिए जो इंडियंस हैं वो OCI कार्ड ले सकते हैं। होपफुली अगर फ्यूचर में इंडिया अलाउ करेगा तो और अच्छा हो जाएगा। और रिड्यूस करनी है क्योंकि ब्यूरोक्रेसी, तो अब आपको मिलेगा डिजिटल रेजिडेंस परमिट। और जैसे पहले स्टूडेंट्स या फिर कोई अगर आता था जर्मनी तो छोटा टाइम का जैसे मिलता था उनको वर्क परमिट या रेजिडेंस परमिट 1 साल का वैसे, लेकिन अब डायरेक्टली दे दिया जाएगा 2 साल का। और इनफैक्ट अभी रिसेंट में ऑलरेडी हम नोटिस कर रहे हैं कि किसी के भी अगर फैमिली आ रही, पेरेंट्स या फिर भाई बहन, तो उनको डायरेक्टली 2 से लेके 5 साल तक का वीज़ा दे दिया जा रहा है। मतलब पहले ऐसे था कि 3 मंथ का ही मिलता था, तो क्योंकि वो लोग चाहते हैं कि बार बार ये वीज़ा के एप्लीकेशंस वगैरह आना कम हो जाएं स्टूडेंट्स के लिए, वर्किंग प्रोफेशनल्स के, उनके जो पेरेंट्स हैं उनके जो वीज़ा ऑफिसर्स के चक्कर हैं वो सारे कम हो जाएं, इसलिए ये भी बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। और फिर नेक्स्ट जो लॉ है वो है पेरेंट्स के लिए। जैसे जर्मनी में मैंने बताया वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छा है, और यहाँ पे आपको मतलब हर चीज़ का बहुत ध्यान रखा जाता है, बच्चों के लिए भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। तो पहले अगर किसी का बच्चा बीमार है तब पेरेंट्स को मिलती थी 10 डेज़ की पेड लीव, कि आप अपने बच्चे का ध्यान रखने के लिए साल में 10 दिन की छुट्टी ले सकते हो। अब उसको बढ़ा के कर दिया गया है 15 दिन, तो विच इज़ इवन अमेजिंग। बट इसके साथ में एक है जो नया लॉ आया वो थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा नहीं है, वो ये है कि जैसे आपका जो बच्चा होता है तो आपको मिलती है मटर्निटी लीव 14 मंथ्स की। तो पहले ऐसा था कि दोनों पेरेंट्स जैसे मदर और फादर उसको इक्वली डिवाइड कर सकते थे, स्प्लिट कर सकते थे कैसे भी अपने हिसाब से। बट अब जो नया लॉ आया है उसमें है कि दोनों पेरेंट्स एट ए टाइम एक साथ मतलब 1 महीने से ज़्यादा छुट्टी नहीं ले सकते। मतलब 1 महीना तो ले सकते हैं फॉर एग्जाम्पल जब बच्चा हुआ ही है उस टाइम पर, लेकिन उसके बाद में सिर्फ एक ही पेरेंट है जो एक टाइम के लिए घर पर रह सकता है, एक को काम पर जाना ही पड़ेगा, विच इज़ नॉट दैट गुड। और जो नेक्स्ट लॉ है वो ज़्यादा अच्छा नहीं है, जो कि है अगेन चाइल्ड से रिलेटेड। तो जर्मनी में जब आपका बच्चा होता है तो आपको उनकी चाइल्ड केयर मेंटेनेंस के लिए कुछ पैसे मिलते हैं, जैसे अभी हमें भी मिलते हैं 250 यूरो पर मंथ। तो उसका भी एक इनकम का थ्रेशोल्ड है जो कि अब कम कर दिया गया जर्मनी में। पहले तो उन्होंने सडनली न्यूज़ निकाली कि अब वो हाउस होल्ड इनकम अगर 150K से ज़्यादा है तो वो नहीं मिलेगा, तो वो तो बहुत ही मतलब कॉमन है इतना हो पाना, स्पेशली जैसे इंडियंस में या फिर
अदरवाइज़ भी जो भी वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं जो आईटी वगैरह में काम करते होंगे, उनका हस्बैंड वाइफ का 80-80K का पैकेज हो पाना वो बहुत ऐसे पॉसिबल है. तो फिर सब लोगों ने थोड़ा ऐसे उनको अच्छा नहीं लगा ये लॉ, तो उन्होंने फिर समझा उनकी बात को, अच्छा एकदम से शॉकर नहीं देते हैं. तो इस साल के लिए वो अमाउंट कर दी गई है 200K. तो अगर 200K से ऊपर अगर हाउस होल्ड इनकम है तो वो अलाउंस अब आपको नहीं मिलेगा. और नेक्स्ट ईयर से ये अमाउंट हो जाएगी 175K, जो कि और कम हो गई. और सिंगल पेरेंट्स के लिए ये अमाउंट है 150K. और अभी जब ये कोरोना का टाइम आया था, फिर जब ये वॉर वाला क्राइसिस हुआ, तो ये सब जब हो रहा था जर्मनी में, तो ये सारे जो बर्डन है, क्योंकि सैलरी कट हो रही थी लोगों की, जॉब्स जा रही थी, तो थोड़ा सा सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने जैसे ना रेस्टोरेंट्स में वैट कम किया था, फिर जो ये इलेक्ट्रिसिटी गैस है इन सब की प्राइस कम करी थी, फ्यूल की प्राइस कम करी थी, इलेक्ट्रिक कार्स पे बहुत ज़्यादा सब्सिडी मिलती थी, और जो ये 29 यूरो, 49 यूरो, ये सब टिकट्स निकाली थी ट्रांसपोर्टेशन को अफोर्डेबल बनाने के लिए. लेकिन अब ऑफकोर्स सब कुछ सेटल हो रहा है, तो ये सब चीज़ें वापस से बढ़ने वाली हैं. वैट बढ़ने वाला है रेस्टोरेंट में, ट्रैवल टिकट की प्राइस बढ़ने वाली है, फ्यूल गैस इलेक्ट्रिसिटी ये सब की प्राइस भी बढ़ने वाली है, और जो इलेक्ट्रिक कार्स पे सब्सिडी थी वो भी जाने वाली है, तो विच इज़ अगेन नॉट सो गुड. और जो नेक्स्ट अपडेट है वो भी अगेन स्टूडेंट्स को थोड़ी सी अच्छी नहीं लग रही है. जैसे जर्मनी में है फ्री एजुकेशन, वैसे कोई भी ट्यूशन फी नहीं होती. कुछ सालों पहले जो बाडेन वर्टेम्बर्ग स्टेट है, उन्होंने अपने जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ थी उनमें भी 1500 यूरोस की जो सेमेस्टर फीस है वो इंट्रोड्यूस कर दी थी, बट वो फिर एक स्टेट ही था. अभी रिसेंटली टीयू म्यूनिक, जो कि वन ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटी है जर्मनी की, उन्होंने भी बोला कि हम भी ट्यूशन फी इंट्रोड्यूस करेंगे. तो अब मतलब थोड़ी सी ना ये घबराहट रहने लगी है सबको कि कहीं जर्मनी में फिर सारी यूनिवर्सिटीज़ तो ना इंट्रोड्यूस कर देंगी ट्यूशन फी. लेकिन इस पर अभी तक कुछ भी ऐसा है नहीं कि सारी कर ही देंगी क्या, बट ये थोड़ा सा मतलब ऐसे अभी जैसे टीयू म्यूनिक ने जो करी है वो स्टूडेंट्स को अच्छी लग रही है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स एस्पायर करते हैं टीयू म्यूनिक में पढ़ना. जर्मनी में वैसे तो मोस्टली सब लोग ना पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस ही लेना प्रेफर करते हैं, बट बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिनको प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस लेनी होती है फॉर वेरियस देयर ओन रीजन. तो प्राइवेट इंश्योरेंस लेने के लिए आपकी इनकम कम से कम 66,000 यूरोज होनी चाहिए थी, तो अब वो थ्रेशहोल्ड कर दिया गया है 69,300 यूरोज. और जो नेक्स्ट लॉ है उसमें अगेन थोड़ी सी अच्छी बात नहीं है. तो जो आपके सैलरी में मल्टीपल डिडक्शंस होते हैं उसमें एक होता है आपका पेंशन और एक होता है आपका हेल्थ इंश्योरेंस, तो उसका जो कुछ आपकी जो सैलरी होती है उसका कुछ परसेंटेज आप डिडक्ट करवाते हो, तो वो परसेंटेज भी अब बढ़ने वाला है, तो मतलब थोड़ा सा डिडक्शन बढ़ जाएगा. लेकिन यहाँ पे अच्छी बात ये है कि जो टैक्स का जो टैक्स फ्री अमाउंट था वो भी बढ़ा दिया गया. तो पहले आपका टैक्स फ्री अमाउंट था 10,908 यूरोज, वो अब हो जाएगा 11,604 यूरोज, जिस पे आप कोई टैक्स नहीं दोगे. और वो पीछे कितना ज़्यादा बड़ा अमेजिंग शिप जा रहा है, आई थिंक 2 डबल शिप जा रहे हैं, बहुत ही सही लग रहा है. तो इसके साथ में ही वीडियो एंड करते हैं. ये थे कुछ बहुत सारे अच्छे अच्छे लॉज और कुछ नॉट सो गुड, आई थिंक नॉट सो बैड है ना, इतना घबराने वाली बात नहीं. अभी भी जर्मनी आया जा सकता है, बहुत अमेजिंग रीजंस और बहुत आसान हो गया है जर्मनी आना और यहाँ पे सेटल होना. तो आई होप आप लोग मोटिवेट हुए हो आने के लिए. और बाकी अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करना. और भी हमारे चैनल पे बहुत सारे वीडियोस हैं जर्मनी के, वो भी आप देख सकते हो. और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल. यहाँ के लाइफस्टाइल और ट्रैवल व्लॉग्स देखने के लिए हमारा दूसरा चैनल है फ्लाइंग अब्रॉड व्लॉग्स, उसको देख लो. और बाकी मैं मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखो. बाय एंड टेक केयर.